हाय गाइस, तो मैं आज आया हूँ रेकनिंग स्पोर्ट्स के बूट कैंप पे। आते ही मुझे अफवाह पता चल रही कि RGNQ टीम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो वेलोरेंट चैलेंजर साउथ एशिया में सुपरमैन जैसा परफॉर्मेंस दिया है। जेट लेके सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया था, लेकिन हम टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज तीन टीमों के बीच में एक टाई ब्रेकर हुआ था, जो कि थे ट्रू रिपर्स, मेडल स्पोर्ट्स एंड रेकनिंग स्पोर्ट्स। छोड़िए, मैं तो JEE टॉपर हूँ, लेकिन ये टाई ब्रेकर सिस्टम मेरे दिमाग के ऊपर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग ने बिल्कुल सही सुना है, 14 मार्च से पुणे में लैन होने वाला है और हम लोग उस लैन में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए आप मेरे साथ चलिए क्योंकि मैं वहां पे जाने वाला हूँ 14 तारीख को। हाँ गाइस, हमारे बूट कैंप में और एक धमाका हुआ है। हमारी BGMI टीम जो स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप खेल रही है, उसमें सेमीफाइनल में 4th प्लेस फिनिश कर चुकी है। और एक धमाका गॉड लाइक की तरफ से। सुनने में आया है कि गॉड लाइक स्पोर्ट्स ने किसी और अनरजिस्टर्ड प्लेयर को किसी और प्रो प्लेयर के अकाउंट से खिलाया है और स्काई स्पोर्ट्स ने डायरेक्टली उन्हें डिसक्वालीफाई किया है विदाउट किसी व्यूअरशिप की परवाह करते हुए। जी हाँ, जैसे स्काई स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट टीम ने उस अनआइडेंटिफाइड प्लेयर को ढूंढ निकाला है, सेम उसी तरह कैस्पर्स की आपके फोन, लैपटॉप या कहीं से भी वो एंटीवायरस डेंजरस मालवेयर ढूंढ निकालेगी। अगर आपको कैस्पर्स की चाहिए, अभी नीचे स्क्रीन पे मेरा कोड आ रहा है BT15, इसे यूज कीजिए और पाइए 15% ऑफ ऑन कैस्पर्स की प्रीमियम। जी हाँ, और एक बड़ा धमाका, रेकनिंग स्पोर्ट्स ने साइन किया क्लैश ऑफ क्लैन के 5 नए धुरंधर्स को। 3 जैपनीज एंड 2 जर्मनी के ये खिलाड़ी है जो कि अभी वर्ल्ड वार्म अप के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, लेकिन 4th अप्रैल से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी और उसके क्वालिफायर चालू हो जाएंगे। जो जीता उसे मिलेगी एक गोल्डन टिकट जो कि खेल सकते हैं ऑफलाइन टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और उसका प्राइज मनी होगा $1,000,000। सो गाइस, मेक श्योर टू फॉलो आवर टीम जर्नी इन क्लैश ऑफ क्लैंस। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए एंड कैस्पर्स चीज के साथ बेफिक्र रहिए। हंसा रहे भाई ये लोग, क्यों हंसा रहे।